क्या मैम पढ़ाए हैं बताओ? डर नहीं, डर नहीं। हाँ, जल पढ़ा रहे थे। क्या जल में क्या बताया? कि जल में नहीं जाते हैं। बच्चों को अच्छे से दिखा कर तुम्हें पढ़ाइएगा तो अनुशासन में और भी बच्चे सीखेंगे। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहार एकदम। लगातार शिक्षा सुधार अभियान के तहत हम सभी जिलों में गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। क्या स्थिति है सरकार की, क्या व्यवस्था है स्कूलों में, और स्कूलों में जहाँ व्यवस्था है वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को हम लोग दिखा रहे हैं। और सर जो भी दिखते हैं स्कूल में उन सारी चीज़ों को हम दिखा रहे हैं, और जो परेशानी है स्कूल में उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारे वहाँ मुबारकपुर में आज यहाँ देखेंगे क्या स्थिति है, पढ़ाई होती है। 9 बजे? नहीं सर, तो 10 बजे। 10 बजे खुलता है और मैडम पढ़ाती हैं सही से, पढ़ाई होता है ना? कौन क्लास में है तुम? हाय। नाम क्या है? उदित कुमार। उदित कुमार, मगर किताब किधर है? कॉपी है। तो क्या अभी किताब में घूम रहा है तुम? नहीं, मैम बुलाए हैं। तो मैम इधर जाओ, उधर तुम घूम रहा था। तो क्लास से मैम आप क्लास में ही पढ़ा रही हैं, बाहर पढ़ा रही हैं आप? कोई समस्या है क्या? जी। क्या समस्या है? समस्या है कि जैसे थोड़ा सा मैंने ग्लव लिए हुए हैं और इसमें कुछ बता रहे थे बच्चों। अच्छा अच्छा। तो सोचे कि यहाँ आओ बाहर में और इस जगह सबको बताते हैं। अच्छा, ग्रुप में आप क्या बता रहे हैं बच्चों को? कितने क्लास के बच्चे इस समय यहाँ पे हैं? सर टोटल 1 से 5 तक के बच्चे। अच्छा, 1 से 5 तक के हैं। कितने 1 के 5 के ये बच्चे? 1 में है या 5 में है? ये 5 में ही एग्जाम दे दिया है। ये 5 में, बाकी बच्चे? और बाकी ये है इधर जी, एक केमा का बच्चा है। किस क्लास का? किस क्लास में पढ़ते हो तुम? पहला में तुमको ग्लोब समझ में आएगा क्या है? इसको कैसे बताएं? 5 क्लास के बच्चों को बता रहे हैं। इन लोगों को क्यों खड़ा किए हुए? इन लोगों को तो बिठा सकते हैं। इन लोगों को हम बताएं, देखिए आप कॉपी लिए हुए बता रहे हैं। अच्छा, हम ग्लोब पढ़ा रहे हैं जी। अच्छा, जरा भीड़ थोड़ा सा अच्छे से दूरी बनाकर पढ़ाएगा तो अच्छा रहता है। हम लोग जो है बच्चे की इच्छा अनुसार पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चा कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं जी। हम लोग को ट्रेनिंग में ही बताया गया है। अच्छा, अगर बच्चा को इच्छा है कहानी सुनने की। अच्छा, हम कहें कि बच्चा किताब कहानी, तो बच्चा को मन नहीं लगेगा। जैसा हम लोग को ट्रेनिंग मिला है उस तरह से बच्चों की इच्छा अनुसार ही पढ़ा। फिर भी एक चीज़ नहीं, अनुशासन में बच्चे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा इनको एक एक करके बुलाते हैं, क्योंकि एक इधर पढ़ रहे हैं तो दो उधर खेल रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं। और इधर 5 क्लास के बच्चे हैं, मैम ग्रुप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आइए से जानेंगे। ग्रुप में मैम आप क्या पढ़ा रहे हैं? आपका नाम क्या है मैम? मेधा बाला वर्मा। ग्रुप में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? बच्चों को बता रहे थे इधर हमारी धरती पर कितने हिस्से जल हैं, कितने महाद्वीप हैं, हमारी धरती पर कितने हिस्से जल हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं इसमें? और क्या पढ़ा रहे हैं? वो 5 क्लास में हो, समझ में आ रहा है मैं पढ़ा रही हूँ तो? क्या पढ़ाई मैं बताओ, बताओ क्या मैं पढ़ाई है बताओ? डर नहीं, डर नहीं। हाँ, क्या जल में क्या बताया? कि जल में नहीं जाते हैं। बच्चों को अच्छे से दिखा कर मैम पढ़ाइएगा तो अनुशासन में और भी बच्चे सीखेंगे। होता क्या है ना कि बच्चे आपस में इधर उधर करते हैं। बच्चा 5 क्लास पूरा, अब बच्चा 4 क्लास करेंगे, कोचिंग मैडम बताई थी। आप लोग 5 क्लास के बच्चे हैं, आप लोग 1 के पढ़ा रहे हैं, तो आपस में बैठे हुए इसलिए दोनों का ध्यान इधर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप अलग हटे क्लास में जाकर, आप लोग आने से थोड़ा बच्चा और क्लास सही समय पर खुलता है ना दीदी? मैं पढ़ाती है ना अच्छे से। और कोई दिक्कत है तुम लोग को? बाथरूम में आया है सही? बाथरूम में जाते हो ना? सही है ना, यदि स्थिति है यहाँ की अच्छा है। और प्रधानाचार्य भी आप यहाँ से भी बात करेंगे स्कूल के बारे में, क्या स्थिति है अभी शायद हमारा हिस्से में बन रहा है, यहाँ पर स्थिति को हम दिखाएँगे फिलहाल। यहाँ पर बाथरूम तो किधर है? उसमें तो खुलवाइए ना, मुबारकपुर है ना गाँव? हाँ, मुबारकपुर। Yeah.
तो मुबारकपुर में प्राथमिक विद्यालय बनाए हुए हैं, वहाँ वहाँ बाथरूम की क्या स्थिति है, बच्चे जाते हैं नहीं उसमें, और सब दिखा रहे हैं हम लोग को। अच्छा कैंपस से बाहर है कुर्ता है नहीं कुर्ता है ऐसा है बाहर जो है ना। हाँ मैंने आउटसाइड है। अच्छा ठीक है, वो तो कैंपस बाहर है, अच्छा है, लेकिन नियमित खुलता है या नहीं गंदा और पानी यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था है? पानी कहाँ है सर, सब ऐसे सब फूटा हुआ है। इसको बोले नहीं है पदाधिकारी को, लेटर नहीं भेजा, नहीं आया है। लेटर भेजेंगे तब ना कुछ होगा, इधर तो ताला बंद है, मांग तो करते रहते हैं सर हम लोग। उसको भी खोलिए ना, डीओ साहब को बोले नहीं कि हमारे यहाँ देखिए इधर खराब है, बताइए बबूल गिरा हुआ है, इसे लोग बोलेगा मतलब कि टूटा नहीं है बहुत दिनों से, बंद है व्यवस्था, व्यवस्था ठीक नहीं है, तो इसको सुधार दिया जाए, बाहर सुधार का जरूरत है। आप प्रचार रहे हैं, आप बोल सकते हैं, आप नोटिस दीजिए, इनमें सुधार होना चाहिए, बच्चे इसमें कैसे जाएंगे, कंटा है इसमें। हाँ तो आप लेटर लिखिए और सुधार करना बहुत जरूरी है। तो हम मुबारकपुर प्राथमिक विद्यालय में आए हुए थे, जैसा कि हमने भ्रमण किया यहाँ क्लास। आपके यहाँ टोटल शिक्षक कितने हैं? तीन हैं, उसमें एक आप हो गया और दो शिक्षिका हैं। कितने दिनों से क्लास बंद था? और आपके यहाँ भोजन भी और लोगों का अटेंडेंस भी खाएगा, कितना दिनों से शिक्षकों का अटेंडेंस है? मूल्यांकन है। अच्छा अच्छा, मूल्यांकन से जुड़ने होकर के आए हैं सर, मूल्यांकन में चले गए थे। अच्छा सर तक, और होली का, होली को 16 से लेकर 20 तक छुट्टी था। जी। अच्छा अच्छा, 21 को फिर खुला है, फिर लगातार स्कूल खुला रहेगा। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रचार मंत्री, आप सुनने के लिए इसके लिए बहुत आभार। अब मेरा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा सुधार में बहुत सुधार है, सुधार में अगर सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसमें हम लोग को बच्चा का हिस्सा लेना होगा, ऐसा नहीं है सब बिल्कुल पेड़ को है। बहुत बहुत धन्यवाद।